हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा आप लोगों ने GTA 4 को आप लोगों ने फुल एंड कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका गेम है तो आपको उसके अंदर आप लोग मिशन नहीं करना चाहते हैं और यार बहुत ज़्यादा हार्ड मिशन है और आप लोगों ने उस सारी मिशन को स्किप करना है और आप लोगों ने सीधा पूरा ओपन वर्ल्ड गेम बना देना है, तो उसको क्या करना है आप लोगों को मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लेना है, मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर देना है। लेकिन डाउनलोड साइज इतना कुछ MB का है, जस्ट 47 KB का है, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड आपका एक सेकंड में हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सीधा लेके चलता हूँ और यहाँ से इस फाइल को मैं कट करता हूँ, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और डेस्कटॉप पे ये मैं आप लोगों को सेफ लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने कर देना है ये। तो ये करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर यहाँ से मैं इसको बनाने देता हूँ, स्ट्राइक हियर करता हूँ, स्ट्राइक कर दिया मैंने। स्ट्राइक हियर करने के बाद इस तरह कुछ दो फोल्डर बन जाएगा, आप लोगों ने इसके अंदर क्लिक करके आप लोगों ने एक साइड पर लेके आने का यहाँ से इस तरह। तो यहाँ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दूसरा फोल्डर देख लेना है, आप लोगों ने सीधा जाना है यहाँ पर। यहाँ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में देख लेना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इस वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ यहाँ से आएगा रॉकस्टार गेम का, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर GTA 4 का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक यूज़र मेन्यू आ रहा है, लेकिन यूज़र मेन्यू के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से गाइज आप लोगों का अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने विंडो प्लस R दबा देना है, विंडो प्लस आर करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है FAPP data, DATA डेटा, सही स्पेलिंग मैंने शायद लिख दिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग ये भी कर सकते हो, एक और दूसरा तरीका वो भी है, मैं आप लोगों को शब्द में समझाऊंगा। आप लोगों ने यहां से जाना है, यहां पर आप लोगों ने अपने सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने नाम का भी देख सकते हो, यहाँ पर ये कुछ हाइड होता है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ये रहा हाइडन फाइल, आप लोगों ने ये कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेसिंग है, तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, मैं इस सीधा इस जगह पर आओगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने लोकल के ऊपर क्लिक कर देना है, लोकल पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर वो तरीका भी मैं समझाऊ कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो रॉकस्टार गेम का आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से GTA 4 के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से म्यूजिक है, ये क्लिप स्किप है, ये सेटिंग है। लेकिन यहाँ पर क्यों, अगर आप लोगों का ऐसा भी ना है तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप लोगों ने वो भी देख लेना है यार। गाइस अगर आप लोगों का फिर भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में हर जगह पे देखते हो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोगों ने एक ये तरीका कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है SGTA 4। आप लोगों ने ये करके आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पर जस्ट आपके पास 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, शायद आपका यहाँ पर डी फोल्डर में हो या एफ फोल्डर में हो तो आपको सारा ढूंढ निकालेगा। अभी हम वेट करते हैं इसका, तो ये निकाल देगा, ढूंढ निकालेगा, लेकिन इसको ओपन कैसे करना है, ओपन फोल्डर लोकेशन, वाओ ऐसे करोगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने उसी सेव फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं एक सेकंड में एक फोल्डर बनाता हूँ, ये हमारा निकल चुका है ये फोल्डर, पहले ये नहीं था और अभी इसका एक अंदर फोल्डर बनाने वाला हूँ, उसके अंदर ये और इस कोड को मैं डालने वाला हूँ, ये 400 वाला है, तो 400 वाला हमें 413 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 413 फोल्डर मैंने कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट एयर बाहर, आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा उस पेस्ट को पर देना है, से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है एंड GTA 4 को ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आप लोगों ने लोड के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर फाइनली आपके पास आ जाएगा, तो ये स्टोरी लेन एंड हो चुका है। तो अब इसको हमने इसको ओपन करना है, जस्ट एंटर कर देना है, तो एंटर करने के बाद ये कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम लगेगा हमें। अभी फाइनली हमारा, तो गाइस फाइनली हमारा स्टोरी लाइन एंड हो चुका है और हम अपने प्यारे से आउटफिट में आ चुके हैं, आइलैंड में आ चुके हैं, पता नहीं आइलैंड ये क्या चीज़ है लेकिन मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कहाँ से बाहर निकलते हैं इसके अंदर, वो भी मुझे नहीं पता, सही बात है मैंने अकेला नहीं है ना। अबे बाहर निकलने का ये रास्ता है, ओ भाई क्या अमीर तरीन शहर में हमारी गाड़ियां दिन दो इंतजार कर रही हैं, ये गाड़ी है यार गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा गेम फुल सेव हो चुका है।
तो गाइस फाइनली हमारा गेम सेव हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब कुछ अनलॉक हो चुका है, अल्लाह हाफिज़।